अस्सलाम वालेकुम, जिन व्हील्स जो आपको अभी गाड़ी दिखा रहा है, दिस इज निसान डेज हाईवे स्टार वेरिएंट है रूक्स, इसकी हाइट की वजह से। और ये प्योर ड्राइव वेरिएंट है, इको आइडलिंग स्टॉप वाला। बैक वाइपर है इसमें, क्रिस्टल लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, ओरिजिनल अलॉय व्हील्स हैं विद ब्रांड न्यू टायर्स, स्पॉइलर है थर्ड लाइट के साथ, साइन वाइजर्स हैं। ये साइड इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके अगले दोनों फेंडर्स रीपेंटेड हैं मैचिंग के चक्कर में, और बॉनेट भी इसका रीपेंट है, क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी इसका ये वाला फेंडर डैमेज था, इसका बंपर डैमेज था, ये लाइट टूटी हुई थी, लाइट रिप्लेस कर दी गई, बंपर पेंट कर दिया गया और ये फेंडर भी रीपेंट किया, जिसको मैचिंग ढालने के लिए इस पर भी लैकर लगा और इस पर भी लैकर लगा। अभी गाड़ी में फॉग लाइट्स भी हैं, डे रनिंग लाइट्स हैं, प्रोजेक्शन लैंप्स हैं और इसके अंदर एच आई डी होती है। साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं विद लॉक एंड अनलॉक, कीलेस एंट्री है, ये इसका रिमोट है और रिट्रैक्टेबल है, इसके अंदर इंडिकेटर भी है। गाड़ी में जब अंदर की तरफ आते हैं तो इसमें ये क्रोम ट्रिम है, ऑटो साइड मिरर, ये जो इसका ड्राइविंग साइड का विंडो है वो ऑटो है, इसमें ओरिजिनल फ्लोर मैट्स हैं, सोफ़ा सीट है, पिछली सीट्स भी एडजस्टेबल हैं, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। डोर जो है इसके स्लाइडिंग है, और जो इसका लेफ्ट वाला जो डोर है जिसको आप वीआईपी डोर भी कहते हैं, वो बेसिकली इसका सक्शन डोर है, वो जब आप कंप्लीट आगे तक लेके आते हैं तो आगे आके वो खुद बंद होता है, ये वाला नहीं दूसरे वाला, इलेक्ट्रिक नहीं है ये। अच्छा, और ये इसकी सीट अभी आपको नज़र नहीं आएगी, ये इसकी सीट पिछली जो है ये काफ़ी पीछे चली जाती है, फिर रिक्लाइन भी हो जाती है, हेडरेस्ट भी हैं इसके, और अगर आपने इसको कार्गो करना हो तो वो सीट्स आगे करके यहाँ फ्लोर पे आ जाती हैं और ये कार्गो बन जाती है। अच्छा, कॉकपिट की तरफ आते हैं तो ये आरपीएम मीटर के साथ है, हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ताकि हमें इंजन का शोर हमें ना आए। अच्छा, वीडियो में इंजन का शोर वैसे ही ज़्यादा आता है। अब जी, इसका ये आरपीएम मीटर है, ये इसका एवरेज इसलिए शो कर रही है, हमने काफ़ी देर गाड़ी स्टार्ट रखी क्योंकि गर्मी थी, हम इसमें बैठे रहे, और ये गाड़ी जो ओरिजिनल चली हुई है, कोई मीटर टेम्परिंग नहीं है, जिन व्हील्स मीटर टेम्पर नहीं करता, 1,45,000 चली हुई है, इको आइडलिंग वर्किंग में, आरपीएम और पुश स्टार्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल इसका बहुत ही खूबसूरत है, और मैं इसको दिखाता हूँ, इसमें स्पोर्ट्स, ये डीएस इज स्पोर्ट्स मोड इसका, ये इसमें ब्लूटूथ भी है, एयरबैग ये वाला भी बनाया गया है और ये वाला भी बनाया गया है। जिन व्हील झूठ नहीं बोलता, इसकी विंड स्क्रीन ओरिजिनल है, वो साइड वाली जिसको हम क्वार्टर ग्लास कहते हैं या एनक कहते हैं, वो भी ओरिजिनल है। ठीक है, गाड़ी में, हाँ गाड़ी में सफाइयाँ होने वाली हैं, जो कि 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा है। और इसमें एक और बड़े मज़े की चीज़ है, मैं वो आपको दिखाता हूँ, गाड़ी बंद कर देते हैं। इसमें एक ये ट्रे है, ग्लास ग्लास होल्डर टाइप की, ये अभी अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही, ये इस तरह नीचे हो जाती है और इस तरह ऊपर, इसमें दो ग्लास आ जाते हैं।